नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी की बात हम करेंगे जिसको खुद UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिपोर्ट किया है, और ये एक बहुत सुनहरा मौका है अगर मैं आपको बताऊं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स या सोशल वर्क जैसी साइट्स में काम किया हुआ है और उनके पास उसके रेलिवेंट डिग्री है। और देखिए सबसे कमाल की बात यह है, ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारे इंजीनियर भाई लोग हैं वो बैठ नहीं सकते क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। तो कॉम्पिटिशन काफी हद तक इसमें कम हो जाता है और जॉब प्रोफाइल इतना बढ़िया है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जॉब प्रोफाइल है हम देख रहे हैं, 41 वैकेंसीज जो रिपोर्ट की हैं, किसने? UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिपोर्ट करी है। अपनी 17th नंबर का उनका एक एडवर्टीजमेंट है, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा उसमें, और बहुत सारी वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं। आप चाहे तो बाकी वैकेंसीज को भी देख सकते हैं। तो 8th नंबर पे आपको उस श्रृंखला में 8वें नंबर पे आपको ये वैकेंसी नजर आएगी। ये है 42 वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं LEU यानी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की, और किसके ऑफिस में? चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस में रिपोर्ट की गई है। जी हाँ, LEU की वैकेंसीज रिपोर्ट करी है। बहुत सारे लोग इन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, वो वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर इस वैकेंसीज की बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले जो आपको जो बात मालूम होनी चाहिए, ये पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, ये टेम्पररी नहीं है। इसका मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पूरी तरीके से परमानेंट तरीके से एक सरकारी नौकर बनेंगे। उसके अलावा देखने वाली बात ये है एक ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट। जी हाँ, ये एक गेजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की। बहुत कम ऐसी पोस्टें होती हैं जो लेवल 7 पे आपको एक गेजेटेड का ओहदा देती हैं, और उनमें से एक पोस्ट जो है वो ये है। आइए देखते हैं कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसकी जो पे स्केल है वो लेवल 7 है, यानी बहुत डिसेंट सैलरी मिलेगी आपको। आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक होगी वो ही 44,900 से स्टार्ट होती है। सोचिए इतनी बढ़िया जॉब है ये। इसके बाद उम्र है 30 साल, मतलब मैक्सिमम 30 साल तक के लोग जो है स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ही वो खेल छुपा है जो UPSC यहाँ खेल गया है। क्यों? क्योंकि इस खेल की वजह से काफी सारे हमारे इंजीनियर भाई लोग वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए क्या बोला है कि भाई डिसिप्लिन, किसी डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन की, जहां पे आपके पास कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो और सोशल वर्क हो। मतलब आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री हो जिसमें आपके पास कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो या सोशियोलॉजी हो या फिर सोशल वर्क हो एज अ सब्जेक्ट। तो सोचिए हमारी जो इंजीनियरिंग होती है बीटेक, उसमें तो ये सब सब्जेक्ट्स होते ही नहीं है, ना हम कॉमर्स पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क तो भूल ही जाइए। इंजीनियर अपना कोर्स नहीं खत्म कर पाता बेचारा, ये सब क्या पढ़ेगा। और डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कि तो लॉ में या फिर लेबर रिलेशंस में या फिर लेबर वेलफेयर में या फिर लेबर लॉज में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, सोशियोलॉजी में, कॉमर्स में और सोशल वर्क या वेलफेयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। मतलब ये वो टॉपिक्स है जिनमें आपके पास जो डिप्लोमाज होते हैं 6 महीने के, वो आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स है जिनमें लोग कर लेते हैं, लॉ का डिप्लोमा कर लेते हैं, लेबर रिलेशंस का जो है डिप्लोमा कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, इनमें से जितनी भी चीजें मेंशन है आपको, वेलफेयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब में अगर इन सब में से किसी के पास भी, मतलब इन सारे टॉपिक कवर्ड है, इनमें से एक में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। तो हमने देखा यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक तो इन डिग्री चाहिए आपको इन सब्जेक्ट्स में या फिर आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपकी डिग्री में, और इसके अलावा आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा UPSC कहती है कि भाई अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है लेबर लॉस का या लेबर वेलफेयर का तो भी या फिर पर्सनल मैनेजमेंट का तो भी आप बिल्कुल सटीक बैठते हैं इस पोस्ट के लिए, बल्कि डिजायरेबल है। मतलब UPSC चाहती है अगर ऐसे कैंडिडेट अप्लाई करें तो उनकी जो दावेदारी होगी इस पोस्ट के लिए वो और अच्छी हो जाती है और इन्हेंस हो जाती है। आपको इसके लिए एक एडेड एडवांटेज मिलेगा जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए काम क्या है। काम ये है इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज। आपको पता है कि हर देश में काम करने के लिए जो लेबर होती है उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, और उन राइट्स को इन्फोर्स करना गवर्नमेंट का काम होता है। तो उसके लिए एक लेबर कमिश्नर होता है, उनके नीचे की पूरी एक फंक्शनरी होती है। तो जो LEU है वो क्या काम करता है, देखिए नेचर ऑफ वर्क भी लिखा हुआ है, यह इंस्पेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आप जाएंगे और जितनी भी ऐसी फैक्ट्रीज है वहां पर जाकर देखेंगे कि भाई
हमारे जो लेबर ढंग से काम कर पा रहे हैं, क्या उनके पास प्रॉपर लाइटनिंग है वहां पे, क्या उनके पास वॉशरूम की फैसिलिटी है, क्या पानी पीने की फैसिलिटी है, क्या अगर जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती है वहां पे क्या क्रच फैसिलिटी है, ऐसी चीजें जो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड होती है, क्या उनकी सैलरीज टाइम पे मिल रही है, क्या उनके ESIC प्रॉपर कट रहे हैं या उनके EPF प्रॉपर कट रहे हैं, ये सारी चीजें आप चेक करते हैं। उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, प्रमोशन ऑफ लेबर वेलफेयर इन सेंट्रल स्फीयर अंडरटेकिंग, इसके बाद जो लेबर लॉज है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, उसके बारे में जानकारी बताना कि भाई गवर्नमेंट के ये लॉज हैं, अगर आपके वो नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, उस चीज को आप जो है अप्लाई करिए। इसके बाद जो सेंट्रल अंडरटेकिंग्स है उसमें लेबर वेलफेयर की बातें करना कि मतलब अगर लोगों को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है काम करते हुए, या उनको लगता है कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए थी लेबर लॉज के हिसाब से, तो इस चीज को चेक करने का काम आपका LU यानी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, आपको पता एंड डिफॉल्टर्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ट्रेड यूनियंस बनती हैं, भाई हमारा लॉ इसे अलाउ करता है ट्रेड यूनियंस को, तो उनको वेरीफाई करना कि उनकी मेंबरशिप जो है वो सही है या नहीं है, या फिर अगर वो ट्रेड यूनियन के नाम पे जो है धांधलीबाजी कर रहे हैं या फिर जो है टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड यूनियन के एक्ट को, तो वो भी वेरिफिकेशन का काम किसके पास है, LU के पास ही है। और लेबर मैटर्स के ऊपर स्पेशल इंक्वायरीज भी की जाती हैं। हेडक्वार्टर तो इसके न्यू दिल्ली में है यानी नई दिल्ली में है, लेकिन आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। तो जो मेरे भाई या मेरी बहनें ये कोशिश कर रहे हैं इस एग्जाम को अप्लाई करने की, सोच रहे हैं कि अप्लाई करें, ये चीज याद रखिएगा कि ऑल इंडिया लायबिलिटी है, आपको भारत में कहीं भी भेजा जा सकता है ज्वाइन करने के लिए, और आपको काम करना होगा, क्योंकि भाई देखो दिल्ली में तो सारी इंडस्ट्रीज है नहीं, जो है वो तो है, इसके अलावा आपको बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो भारत के अलग अलग कोनों में है वहां जाके आपको ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा NPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 2004 के बाद से बंद कर दी गई थी, उसमें आपको जो है कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, आपका जितना भी पेंशन का जो पूरा सेटअप होगा वो होगा न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, जो आज की डेट में सबके पास होता है, सबको मिलती है वही। 2004 के बाद से IAS हो, PCS हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, उसको न्यू पेंशन स्कीम में ही डाला गया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट लिंक जो है वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और डेट आपको देखनी है कि 29/9/2022 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है, और प्रिंट लेने की भी आखिरी तिथि 30/9 है, यानी दिन कम है, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन को तसल्ली से और पढ़ लीजिए, हम काफी मेन चीजें बता रहे हैं, अगर आपको लगता है और भी पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन को UPSC की वेबसाइट से देख सकते हैं, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद 29 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है, तो आखिरी डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी डेट पे कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, और UPSC का मन है भाई अगर वो ना अलाउ करे आपको तो क्या करोगे भाई, तो अभी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब इस पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे होता है CLC यानी चीफ लेबर कमिश्नर। चीफ लेबर कमिश्नर है जो दिल्ली में बैठते हैं, भारत की जो राजधानी है दिल्ली वहां बैठते हैं, और वो एक ही होते हैं। उनके बाद आपको मिल जाएंगे डिप्टी CLC यानी डिप्टी आपके चीफ लेबर कमिश्नर, उसके बाद आपके मिल जाते हैं RLC रीजनल लेबर कमिश्नर, और उसके नीचे आपको मिलेंगे आपके LEO, या फिर बीच में एक लेवल आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का भी आ जाता है, ठीक है। तो LEO आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो सोचिए आपके ऊपर की जो ये पूरी हायरार्की है ये आपको नजर आ रही है, सबसे ऊपर आपके CLC यानी चीफ लेबर कमिश्नर, फिर डिप्टी लेबर कमिश्नर आ जाते हैं, फिर आते हैं आपके रीजनल लेबर कमिश्नर, फिर आते हैं आपके एडिशनल लेबर कमिश्नर, और उसके बाद आते हैं LEO। यानी अगर आप जब प्रमोट होंगे, जानने वाली बात यह है कि जब इस पद से आप स्टार्ट करेंगे और जब आपका प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के तौर पर जाएंगे, जो कि एक बहुत सम्मानित पोस्ट है और बहुत ही एस्पायर्ड पोस्ट होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर इस अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, क्योंकि इससे कंपटीशन बहुत क्लियर है, हमारे इंजीनियर भाई मना है उनके लिए, तो आपके लिए एक क्लियर कट रास्ता है। तो अब समझ लेते हैं कि सैलरी क्या होगी। देखिए सैलरी की बात करें तो लेवल सेवन में जो स्टार्टिंग बेसिक पे होती है वो होती है 44,900, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर आप इंस्पेक्टर ग्रेड पे भी SSC के थ्रू जब जाएंगे तो बेसिक पे आपको 44,900 ही मिलती है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, आपको HRA मिल जाएगा, HRA होता है 27% आपकी बेसिक पे का, जो कि बन जाता है आपका 12123, ठीक है।
इसके बाद आपको महंगाई भत्ता गवर्नमेंट डीएनएस अलाउंस देती है। तो डीए देखेंगे तो करंट में अभी डीए का अनाउंसमेंट आया नहीं है अगली जो है किस्त का, लेकिन करंट में जो डीए है वो आपकी बेसिक का 34% है, जो कि आता है हम कहें 15,266 रुपए। तो ये आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी, अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आता है 72,289, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। इसमें से आप अगर 10% अपना एनपीएस माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 65060, ये आपकी इनहैंड सैलरी है। तो बहुत डिसेंट सैलरी है स्टार्ट करने के लिए अपने करियर को एज अ एलईओ। और देखिए पर्क्स भी हैं बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट पे आप जाएंगे और गेस्टेड पोस्ट है तो उसके फायदे अलग मिलते हैं। तो ये पूरी की पूरी सैलरी के कैलकुलेशन आपके सामने है कि आपके सामने है कि आपको कितना जो है सैलरी मिलेगी जब आप एज अ एलईओ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब आते हैं स्कीम के ऊपर कि भाई देखिए जो हमारा यूपीएससी का नोटिफिकेशन उसमें स्कीम की बात नहीं की गई है, लेकिन ये स्कीम जो है मैं लेकर आया हूं सेम नोटिफिकेशन, ऐसे नोटिफिकेशन 2017 में भी यूपीएससी ने लागू किया था, तो वहां से मैंने कुछ स्कीम निकाली। अभी ये नहीं पता कि इसका पैटर्न बदल भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा तौर पर यूपीएससी इसी स्कीम को फॉलो करेगी जो उन्होंने पिछले एग्जाम में फॉलो कराई थी। तो देखिए आपका सिलेबस क्या है, एक तो सबसे पहले आपका एग्जाम 2 घंटे का होगा, ड्यूरेशन होगी और 300 मार्क्स का होगा, तो इसमें कोई हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम है और 300 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस बराबर मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, और भाई नाजमी सी बात है यूपीएससी है तो अपनी नेगेटिव मार्किंग तो वो करेगा ही करेगा, और वो कितनी होती है नेगेटिव मार्किंग, 1/3, 1/3। ठीक है, अब सिलेबस देखिए, सिलेबस इतना अलग है क्यों, क्योंकि देखिए आपने जिस फील्ड में पढ़ाई की होगी आपने एक फील्ड में आप पढ़ सकते हैं, आप सोशल वर्क पढ़ सकते हैं या फिर आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं या फिर आप पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो आपको क्या देखना है, देखिए सिलेबस लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट। तो ये इसमें से काफी सारी चीजें लॉ की है, काफी सारी चीजें सोशल वर्क की है, काफी सारी चीजें अकाउंट्स की भी है, और इवन मैनेजमेंट का भी पार्ट है जब आप एचआरएम वाला पार्ट देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी कहीं ना कहीं एचआरएम में ही चला जाता है। ठीक है, तो ये एक सबका समीकरण है, आपको देख रहा है सबका, इन्होंने क्या किया अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट्स होते हैं टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में से वो निकाल के इन्होंने पूरी एक स्कीम बना दी है। अब इसको आपको पढ़ना कैसे, अच्छा इसके अलावा आपको कुछ चीजें और मिल जाती हैं इस एग्जाम में, अगर मैं आपको बताऊं 9वें नंबर पे आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी आपसे पूछा जाएगा, 10वें पे आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, और करंट अफेयर के लिए आपको पता है कि क्या करना है, रोज हमारी सुबह 6:30 बजे की वीडियो देखिए, आपके सारे करंट अफेयर अपडेट हो जाएंगे, मंथली वीडियो देखिए, 6 मंथली वीडियो देखिए, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और 11वें नंबर पे आपको मिल जाएगा मैथ्स के सवाल आ जाते हैं कुल मिला के, ठीक है मैथमेटिकल एबिलिटी के सवाल आ जाते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, मेन तो ये है, हमने सिलेबस तो देख लिया, देखिए हाउ टू प्रिपेयर, जब इतने सारे टॉपिक होते हैं ना तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप हर टॉपिक के लिए ना अपनी पीडीएफ देख लीजिए, छोटे छोटे नोट्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, वो डाउनलोड करिए और टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, मेनली करना क्या है अगर आप देखेंगे तो जैसे लेबर वेलफेयर है तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो उनको पढ़ लीजिए आप। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में ज्यादातर आपको जो चीजें होती है आर्बिट्रेशन की या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग की, ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो हमारी वेबसाइट है सरकारीपरीक्षा.com वहां भी इससे रिलेवेंट टॉपिक्स अपलोड कर दें ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, हम उसमें भी पब्लिश कर देंगे। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे। तैयारी करने का तरीका क्या है कि इन सब की डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको इनके मेन मेन सेक्शंस देख लेने, कोशिश करिए कि इनके एमसीक्यूज बहुत सारे लगाइए। तो एमसीक्यूज आपको कैसे करने की तैयारी, अगर एकदम टॉप नॉच करनी है तो आप क्या करेंगे, जो जेआरएफ के पेपर्स होते हैं, जो लोग जो है मास्टर्स के बाद जो कोशिश करते हैं, मास्टर्स के जो पेपर्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के, उनको लगाने की कोशिश करिए, उनमें से मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, और
जब वो आप मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो सवाल जनरली वहीं से बनते हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने अभी देखा कुछ दिन पहले ESIC का DD का एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम नहीं तो 12-13 टॉपिक्स थे, लेकिन अगर आप सवाल देखेंगे तो बहुत बेसिक सवाल थे। अगर किसी ने, हम कहते ना कुंजी पढ़ ली, अगर किसी ने कुंजी भी पढ़ ली उस सब्जेक्ट की तो वो भी आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। तो वही मुझे लगता है कि वही चीजें यहाँ भी आएंगी, और आपने पढ़ाई की है तो किसी ने किसी सब्जेक्ट में तो आपके पास मास्टरी होगी ही होगी। बाकी चीजों में आपको क्या करना है, लॉ पढ़ लेना है, जैसे ये एक्ट्स हैं। अब ये एक्ट्स में आपको मेनली क्या करना है, एक्ट करना क्या चाहता है वो पढ़ना है, उसके अलावा जो उसके रूल्स हैं कि क्या क्या वो रूल्स लेट डाउन करता है, और उसकी पनिशमेंट देखनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अभी आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो जो है लेबर लॉस को उन्होंने 4 कोड्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 4 कोड्स आपको अच्छे से मालूम हो, क्योंकि एग्जाम में सवाल उससे बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सवाल बनेंगे, तो ये भी आपको जो है हमारे चैनल में मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर, और मैथ्स के भी सवाल, आपको जो बेसिक मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे जो इनके नोट्स होते हैं वो इकट्ठे करने हैं। कई ऐसे टॉपिक हैं जिसके लिए एक बेयर एक्ट आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेयर एक्ट लेना है, एक पतली सी किताब होती है उस टॉपिक के ऊपर, और उसको पढ़ लीजिए, वो भी आपका बहुत हद तक आपका काम पूरा कर देगी, ठीक है। तो बेयर एक्ट्स को भी आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये एनफ होगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में UPSC पूछेगा नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। जब टॉपिक बहुत सारे होते हैं ना, तो ऐसे एग्जाम्स में जो है लेवल थोड़ा सा हम कह सकते हैं मीडियम रहेगा या फिर हल्का ही रहेगा, लेकिन हमको तैयारी करनी है बेस्ट के लिए। तो बेस्ट के लिए है कि हम मास्टर्स तक के MCQ सॉल्व करेंगे, जो हमें नॉर्मली ऑनलाइन मिल जाते हैं, किसी भी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वो MCQs मिल जाएंगे, आप उनको वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था LEO के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमारी UPSC ने रिपोर्ट करी है। ऐसी ही वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक करिए, ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और ऐसा ही नॉलेजफुल कंटेंट आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।